नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रिंट योर थिंक में। और आज एक नए वीडियो के साथ फिर मैं यहाँ पे आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक लेटर हेड बनाना। तो ये रहा, इस तरह का लेटर हेड हम लोग आज बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, नया पेज ले लेते हैं एक, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा पेज पे आ जाएगा, ठीक है। पेज का जो हमारा साइज है A4 साइज है, देखिए पेज हमारा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये A4 लिया हुआ है, A4 साइज का पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। P प्रेस करके सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ से शेप, ये जो बेसिक शेप्स हैं इसमें आ करके हम लोग यहाँ पे बेसिक शेप्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेप से इसको खोल लेंगे, यहाँ से ये ट्रायंगल ले लेंगे, ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे करके और कंट्रोल दबा करके ऐसे रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए रोटेट हो गया, यहाँ रखते हैं, यहाँ रख के ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसका कलर कर लेते हैं हम लोग ब्लू। इसका आउटलाइन हटा लेते हैं, यहाँ से आकर के राइट क्लिक करेंगे, नन हो जाएगा। फिर इसका एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो यहाँ पकड़ के और कंट्रोल दबा के इसको उलट देंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह का हो गया। और उसके बाद इसको उठा करके हम लोग कंट्रोल के साथ उठा करके यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। और ऐसे पकड़ के इसको यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसका कलर हम लोग ये ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करके एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी कर लिए, ठीक है। देखिए ये अलग हो गया। उसके बाद इसको हम लोग ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ पे आकर ट्रांसपेरेंट में आके ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आकर के यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं, ऐसे हो गया। एरो में आते हैं, फिर एरो में आए, इसको उठा करके यहाँ रख दिए, ये देखिए रख दिए, ठीक है। इस तरह का हो गया। यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब दिख रहा है, इसलिए फिर से इसको करते हैं, डिलीट कर लेते हैं और इसको जो है थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा करते हैं, ठीक है। फिर दोनों को सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ और ग्रुप कर लेते हैं और कंट्रोल डी कर लेते हैं और उसको उठा के लाते हैं इधर और ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे और फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं। ये हो गया और ऐसे उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे एक साथ और यहाँ पे आके ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, ये वाले को ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पावर क्लिप में जाएंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम में जाएंगे और इस जो हम लोग बॉक्स बनाए हैं ये लिए हैं इस पे यहाँ पे आके इसे क्लिक कर देंगे तो ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। कैसे किए फिर से करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, ये है और ये है, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पावर क्लिप में जाते हैं, प्लेस इनसाइड फ्रेम में जाकर के यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हो गया। कंट्रोल के साथ या ऐसे भी डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। वो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी करके इसको उठा के नीचे ले आते हैं। उसके बाद यहाँ से आकर के मिरर वर्टिकल कर लेते हैं, हो गया। और इसको हम लोग पलट देते हैं, इस तरफ से का इस तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएंगे और मिरर हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसको थोड़ा सा खींच के हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा ये। यहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा खींच लेते हैं,
ठीक है, ऐसा करते हैं इस पर क्लिक करके और ये दोनों को यहाँ दोनों को सेलेक्ट करके इधर खींच लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इस तरह हो गया। और इसको भी कर लेते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है, इस तरह से ठीक लग रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, इधर टेक्स्ट को हम टाइप कर लिए हैं तो हम इसको उठा के ले आते हैं, ये वाला लिया है यहाँ पे, खींच लिए, यहाँ पे आए, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मोटा कोई फॉन्ट लगा लेते हैं, ये भी ठीक लग रहा है, ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, ये उठा के ले आते हैं यहाँ पे, दोनों को सेलेक्ट करके आर प्रेस करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा, मतलब ये अगर यहाँ रहता है और सेलेक्ट करके अगर आर प्रेस करते हैं तो देखिए आ जाता है इस तरह, ठीक है, इसको उठा के यहाँ कर लेते हैं और दोनों को यहाँ ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका कलर हम लोग कर लेते हैं इस तरह का, या ये कलर ब्लू नहीं, यही कर लेते हैं, ठीक है, ये कलर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोगो बना लेते हैं इसका। तो क्या करेंगे लोगो बनाने के लिए, ये एक रेक्टेंगल लेते हैं, ऐसे खींच लिए, खींचने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके 45 डिग्री है रोटेट कर देते हैं, रोटेट हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको जो है कंट्रोल क्यू करके कर्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उठा कर नीचे लाते हैं, एक बार लाएँ, राइट क्लिक करके छोड़ दिए, एक हो गया। दूसरा लाते हैं, यहाँ लाएँ, ठीक है, और कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस वाले पे क्लिक करके सेव टूल पे जाते हैं और यहाँ पकड़ के ये इसको देखिए यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया। इधर वाले को भी इसी तरह यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे हम लोग, ये आपका स्मार्ट फिल टूल है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको इस पर कलर क्लिक कर लेते हैं, कलर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं, कलर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को शिफ्ट शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके इसको उठा के ऊपर ले आते हैं, आ गया, और ये वाले को डिलीट कर लेते हैं, डिलीट कर लिए। अब इसको उठा करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक रेक्टेंगल लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर वहीं पे जाते हैं स्मार्ट फिल टूल में, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये हो गया। इस वाले को हटा लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का, इसका, ये सबका सेलेक्ट करते हैं सबको, ये जो इसका लाइन कलर है इसको यहाँ के राइट क्लिक कर देंगे तो नन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और कलर दे देते हैं, ये इसको भी दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसका कलर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं और कंट्रोल प्रेस करके ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। अब इसी को एक कंट्रोल दबा करके उठा के ले आते हैं, राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर इस दोनों को सेलेक्ट करते हैं, उठा के राइट कंट्रोल दबा कर नीचे लाते हैं और राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, ठीक है, ये बन गया। और ग्रुप कर लेते हैं, उठा के यहाँ ले आते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है, जो हम लोग लिखा हुआ है नाम शर्मा इंटरप्राइजेस, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको कंट्रोल दबा के उठा के लाते हैं और राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, तो एक डुप्लीकेट बन जाता है इससे। इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के बाद यहाँ पे आके इंटर मार देते हैं और यहाँ पे आके इसको सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं और ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद एक यहाँ से फ्री हैंड टूल लेते हैं, यहाँ इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्री हैंड टूल पे, इसे खींच लेते हैं। खींचने के बाद सेप टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए, ठीक है, उठा के यहाँ रखिए। उसके बाद इसको कंट्रोल दबा के लाइए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए, फिर कंट्रोल दबा के लाइए, राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कीजिए और इसको हम लोग थोड़ा मोटा कर लेते हैं, एक ही रन दीजिए, एक, ठीक है, ग्रुप कर लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है, इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी कीजिए और उठा के यहाँ रख दीजिए। यहाँ भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ रखिए, ठीक लगेगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसी को सेलेक्ट करते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ सेंटर मिलाते हैं, उसको इसको खींच लेते हैं और खींचने के बाद यहाँ पे आते हैं ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसपेरेंसी पे टूल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी और यहाँ आ करके हम लोग 85 टाइप करते हैं और इंटर करते हैं, तो ये 85% ये अंदर लाइट हो जाएगा एकदम से, ठीक है, यहाँ या यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से एक लेटर हेड हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ लेटर हेड एकदम सिंपल होता है तो जैसे एक सिंपल भी बना लेते हैं, इसको कंट्रोल डी करके कॉपी करके अलग रख लेते हैं और यहाँ प्लस पे क्लिक, ये जो प्लस है यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि एक सिंपल वाला बना लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इसको फॉन्ट को एकदम सिंपल कर लेते हैं, ठीक है, इसको नीचे करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लिए। सबसे पहले इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ये रेक्टेंगल पे डबल क्लिक किए, एक आ गया पेज, ये रेक्टेंगल आ गया। यहाँ पे आते हैं 7.5 और 11 टाइप करके इंटर करते हैं, पी प्रेस कीजिएगा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले फॉन्ट को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल एक्स से कट कर लेते हैं, फिर क्लिक करते हैं, अभी करते हैं तो इसका टेक्स्ट का सही शेप आ जाएगा, ओरिजिनल शेप यहाँ रखते हैं और ऐसा करते हैं, इसको एरियल ब्लैक कर लेते हैं और इसको इसका फॉन्ट साइज 30 कर लेते हैं, 30 हो गया, और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको खींच लेते हैं और ये वाले को, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर रखते हैं, जैसे होम कर लेते हैं, एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा फोन, ये हो जाएगा ईमेल, कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ पे आके सेंटर कर लेते हैं, सेंटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रख करके सेलेक्ट करेंगे,
इसको भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और सेंटर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको उठा करके ऊपर ले आएंगे, ठीक है। और इसका साइज कर लेते हैं 15, ये हो गया एक। ये फ्रेंड टूल में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे। खींचने के बाद इसका मोटाई हम लोग कर लेते हैं 2 PT। उसके बाद इसको हम लोग एक और यहाँ नीचे रख करके राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, और इसका हम लोग कर लेते हैं 1 PT, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ से इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। एक इस फिर हम लोग टेक्स्ट टूल में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, 12 टाइप करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं REF रेफरेंस, ऐसे करते हैं। फिर ये स्पेस बार दबा करके आगे जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं डेट। तो अधिकतर नॉर्मल जो लेटर हेड है इस तरह से बन जाता है, ठीक है। इसको हम लोग 80 या 100 GSM के जो पेपर होता है, बॉन्ड पेपर, जैसे सिक्योरिटी बॉन्ड, ये सब पेपर, उस पर प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो हम लोग लोगो बनाए हैं इसको भी उठा के लाते हैं, यहाँ इसको यहाँ थोड़ा सा घसका लेते हैं हल्का सा यहाँ पे, और इसको छोटा करके लगा देते हैं। देखिए छोटा कर देते हैं, और ये देखिए यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी सैम्पल जो लेटर हेड होता है सिंगल कलर में वो, या डबल कलर में, इस तरह से भी प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रिंटिंग से रिलेटेड और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम स्क्रीन प्रिंटिंग और प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।